हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11। द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर्स वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स। हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिटर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें बोला है कि एक विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उन वो पार्टिसिपेट करना है उनको कॉम्पिटिशन में डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स बनाने के लिए, ठीक है। और वो भी किस शेप में? सिलेंडर शेप में, जिसका जो कि विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। और वो किसका यूज़ कर रहे हैं? कार्डबोर्ड का यूज़ करके उनको बनाना है, ठीक है। वॉज टू बी, और जो रेडियस है उसका, ठीक है, रेडियस जो गिवन है वो क्या? 3 सेंटीमीटर। देखिए पेन होल्डर्स की जो शेप होगी वो सिलेंडर शेप में, तो इस तरीके से क्या होगा? पेन होल्डर होगा, ठीक है। और पेन होल्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऊपर से ओपन रहता है, राइट, और नीचे से क्या होता है? ऊपर से क्या होता है? ओपन रहता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? पेन होल्डर्स के में ये जो है, इसमें कार्डबोर्ड का यूज़ करके ये पेन होल्डर बना है। और रेडियस कितना बोला हुआ है? 3 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या गिवन है हमें? हाइट हमें बोली है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉम्पिटिटर्स, टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है हमारे 35, ठीक है। मतलब कितने पेन होल्डर्स बनेंगे? 35, ओके, 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब हर एक कॉम्पिटिटर एक पेन होल्डर बना रहा है। तो 35 कॉम्पिटिटर्स कितने पेन होल्डर बनाएंगे? 35 पेन होल्डर, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है? कितना कार्डबोर्ड हमें बाय करना है, कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत है। तो देखिए, एक पेन होल्डर में कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत है हम वो निकाल लेंगे। तो देखिए, तो द एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, ओके, एक पेन होल्डर में कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा? देखिए, एक तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। तो इस एरिया के लिए हम क्या निकालते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? कर्व सरफेस एरिया, ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया तो निकाल लिया, लेकिन जो पेन होल्डर है उसमें क्या होता है? ये बेस भी कवर होता है। तो इस बेस का एरिया, ये बेस जो होता है हमारा किस शेप में होता है? सर्कल शेप में होता है, ठीक है। तो सर्कल का हम एरिया इसमें ऐड कर देंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आगे समझ में हमने क्या किया इसमें? देखिए, जो एक पेन होल्डर का टोटल एरिया क्या होगा? एक तो इसका 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 एरिया होगा, और इसके एरिया को हम क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। और इस और जो हमारा पेन होल्डर होता है वो ऊपर से ओपन रहता है, तो ऊपर का हमें किसी चीज़ का एरिया नहीं निकालना, बट नीचे से क्या होता है? वो कवर्ड होता है। और तो नीचे से जो कवर्ड होता है उसमें भी तो कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी ना, कार्डबोर्ड से है तो हम वो कवर करेंगे। तो कार्डबोर्ड, वो किस शेप में कार्डबोर्ड है? वो किस शेप में है? सर्कल शेप में। और सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसलिए हमने क्या कर दिया? इसमें उसको भी ऐड कर दिया। तो द एरिया ऑफ वन पेन होल्डर विल बी, जो एरिया होगा एक पेन होल्डर का वो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh + πR², ठीक है। तो देखिए, इसमें आप कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देंगे हम, ठीक है। 2π की वैल्यू 22/7 इंटू आर। रेडियस हमारा कितना है? 3। एंड हाइट है हमारी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10.5 है, डेसिमल हम हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10, ओके। एंड प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? 3, और 3 का
स्क्वायर यहाँ पे है, राइट स्टूडेंट। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, देखिए कैसे करेंगे। 7 1 7 7 1 7 और यहाँ पे कितना बचा, 3 35, 7 5 35, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 into 22 into 3 into 15, इसको हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा 1480 और नीचे क्या है 10, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 198/7, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो हमारे वैल्यू आएगी वो होगी, एक सेकेंड, दिस इज 148, एक सेकेंड, इसको 3 2 6 और 6 2 8, 22 into 6, 6 2 8, 6 2 12, 6 2 12 एक 13, 132 into 15, 5 2 10, 5 3 15, 16, 5 1 5, 1 2 2, 1 3 3, 1 1 1, 0, 5 3 6, ये आएगा 198/0/1, ठीक है। तो देखिए इसमें जो वैल्यू आएगी वो होगी 198/198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। ये हमारा इस तरीके से होगा, इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना होगा, ठीक है। हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे 7, तो 198/7 + 198, राइट। तो यहाँ पे आएगा हमारा 8 into 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा कितने इसका निकला, एक पेन होल्डर का एरिया निकला, ठीक है, एक पेन होल्डर का एरिया निकला। अब हम क्या करेंगे, 35 कॉम्पिटिटर्स है, मतलब कितने पेन होल्डर्स बनेंगे 35, और जितने पेन होल्डर्स बनेंगे उतना ही कार्डबोर्ड उसमें लगेगा। एक पेन होल्डर में कितना कार्डबोर्ड लग रहा है, इतना, ठीक है। और टोटल कार्डबोर्ड कितना लगेगा फिर, सो कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन पेन होल्डर कितना हो जाएगा, 8 into 198/7 cm², ये किसका निकला, एक पेन होल्डर के कार्डबोर्ड का, ठीक है। अब कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर फॉर 35 पेन होल्डर्स, तो कित क्या कर देंगे हम, इसको जो हमारी आई उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमें एक का पता है तो उसको क्या कर देंगे, 35 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, 35 पेन होल्डर्स में कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक यू एंड प्लीज़ ऐड अ कमेंट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ ऐड सम कमेंट, एंड इफ़ यू अगर आपको और भी कुछ चाहिए उसके लिए आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको और किस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।